आज हम गए शॉपिंग करने, फिर उसके बाद गए भूत बंगला देखने। और वैसे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्टॉक आया हुआ है, तो स्पेशली जीन्स का बहुत सुंदर स्टॉक आया। तो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सारे बहनें मिलके चल दिए शॉपिंग की ओर। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो चलते हुए चलते एक्सरसाइज भी हो जाएगा, प्लस हमारा घूमना भी हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे ही बोर हो रहे थे घर पे, तो इसीलिए। लेकिन ना हमने एक गलती कर दी, इतना धूप देखते हुए भी हमने बिना छत्ता लिए चले गए थे, हमारा वो मिस्टेक हो गया था। पर कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए ना, याद रह जाता है हमेशा। तो देखिए, हम मार्केट पहुँच चुके हैं। वहाँ पे ना मतलब ये हमारा बेसिकली हमारा ये गांव का मार्केट है, तो ऐसा ही होगा, ये बड़ा बड़ा मॉल वगैरह नहीं होता है। पर यहाँ पे स्टॉक सब बहुत मस्त आता है, और स्पेशली जो जीन्स का होता है या फिर टॉप शर्ट टी शर्ट ये सब का ना बहुत सुंदर सुंदर स्टॉक आता है यहाँ पे। ये दिमापुर से आता है ना, तो क्वालिटी भी बहुत मस्त होता है, ब्रांडेड कपड़ों को भी ये फील करा देगा, इतना मस्त क्वालिटी होता है। और भैया बोल रहे थे आगे हमारा गाँव का यूट्यूबर ऐसा करके। फिर मेरी बहन, हम सब लग गए स्टॉक चेक करने की, मतलब कैसा है। वैसे बहुत मस्त आया था सच्ची। मुझे ना एक पैंट, मतलब जीन्स, एक पैंट ही था वो प्लाजो टाइप का, मुझे वो बहुत पसंद आया था, पर मेरे पास थोड़ा पैसा कम था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। सो सैड ना। तो मैं दुकान खोल रहा हूं, बंद है ना। हाय, वेलकम टू माय दुकान। मानो वेलकम टू माय शॉप। सबले आरंभ का दुकान आउन सक मन चाहिए दी। अन्त आलु दादाको दोकानमा राम्रो राम्रो स्टक आएको छ। लेकिन हमें वहाँ पे इतना खास कुछ पसंद नहीं आया, मतलब सब कुछ अच्छा था पर फिर भी हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए हम फिर चल दिए दूसरी गली में। वहाँ पे घुस गए, वहाँ पे उम्मीद से कि चलो कुछ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिला भी बहुत सुंदर सा। एक हमने फ्रॉक लिया और एक पैंट शर्ट भी लिया, मिला भी यहाँ पर। पर यहाँ पे ना वो दुर्गा पूजा जस्ट ख़त्म हुआ है ना, तो उस वजह से स्टॉक सारा खाली खाली। फिर उसके बाद हम पहुँच गए भूत बंगला। देखिए ये भूत बंगला है, ये ना बहुत सालों से ऐसा है सच्ची में। आप सामने से देखोगे ना आप डर जाओगे। ये बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो सीन है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत अच्छा आता है। लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ से आता है फ़ोटोग्राफी करने के लिए, बहुत सुंदर लगता है। पर ये ना आप सामने से देखोगे ना, ये भूत बंगला से कम नहीं है, भूत बंगला ही लगता है, सच्ची बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। बहुत पुराना बिल्डिंग है ये, वो देखिए आप, देखिए आप खुद ही देख लीजिए ना, भूत बंगला ही लग रहा है ना ये। और यहाँ पे सच्ची बता रही हूँ, कोई रहता भी नहीं है, पिछले कितने सालों से कोई नहीं रहता, इसलिए इसको मैं भूत बंगला बोलती हूँ, मेरे लिए तो वही जैसा लगता है। फिर उसके बाद हम चले गए घर। तो मैंने सोचा वो हमारे घर का ना पीछे वाला एक रास्ता है, वहाँ से चलते। मैं कभी वहाँ से गई नहीं थी, तो देखा कि बहुत ही भयानक था, सच्ची बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।